हमीरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस हर हालत में कब्जा करने की फिराक में है और इसके लिए कांग्रेस हाईकमान ने हमीरपुर पर पूरा फोकस किया हुआ है। कांग्रेस की जन चेतना यात्रा के तहत हमीरपुर में भी जन चेतना यात्रा जिला में निकाली जाएगी और यात्रा के माध्यम से बीजेपी के एक साल के असफल कार्यकाल को दिखाया जाएगा तो केंद्र सरकार के कार्यकाल में नाकामियों को उजागर किया जाएगा। जन चेतना यात्रा के दौरान प्रदेश प्रभारी रंजनी पाटिल की ड्यूटी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में विशेष तौर पर लगाई गई है ताकि हमीरपुर सीट पर फतेह हासिल की जा सके। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बताया कि जन चेतना यात्रा हाल ही में शिमला लोकसभा क्षेत्र में संपन्न हुई है और अब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जन चेतना यात्रा आरंभ की जाएगी जिससे लोगों को बीजेपी सरकार की नाकामियों से अवगत करवाया जाएगा ताकि चुनावों में लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल सकें। जन यात्रा जो है हाल ही में हमारे शिमला क्षेत्र से जिला से उसकी शुरुआत की गई है और उसी तर्ज के ऊपर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी इसकी आयोजन किया जाएगा जिसमें हमारे माननीय जो वरिष्ठ सभी नेता आएंगे। हमारा जो जन चेतना यात्रा का जो एक मुख्य उद्देश्य है जो प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा, एक वर्ष का जो कार्यकाल रहा, केंद्र में 5 वर्ष सरकार रही उसका जो कार्यकाल रहा, जो एक उनकी नाकामियां थी, जो जब सत्ता में आने से पहले उन्होंने लोगों को एक लोक लुभावने सपने दिखाए थे, बड़ी बड़ी रोजगार की बातें की थी, साथ में काला धन वापस लाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त होगा, देश में बेरोजगारी कम की जाएगी, इसी तरह से उन्होंने जो वादे किए थे और पिछले 5 वर्ष में केंद्र सरकार ने जो जनता को सपने दिखाए थे उन में वो पूरी तरह से नाकाम हुए, असफल रही है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी असफल रही है। उसकी जो भी नाकामियां थी उनको उजागर करने के लिए जन चेतना जो यात्रा है उसको की जाएगी और कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस कार्यकाल में उपलब्धियां हुई और इनकी जो भाजपा केंद्र सरकार की नाकामियां हैं उनको लोगों के बीच में लेकर जाएगी। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने चुनावों में टिकटों के आवंटन के मुद्दे पर कहा कि इसका फैसला हाईकमान करती है और कांग्रेस का संगठन भी चाहता है कि जल्द टिकटों का आवंटन हो सके ताकि समय रहते कांग्रेस का उम्मीदवार मिल जाए। जहां तक टिकट किसको देना किसको नहीं देना ये सारा जो कार्यक्षेत्र होता है वो हाईकमान के इस नेतृत्व में होता है और हाईकमान ही टिकट का फैसला करती है। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते संगठन की बात कर सकता हूँ, टिकट देना किसको नहीं देना वो हाईकमान का अपना कार्यक्षेत्र है, वो हाईकमान ही तय करेगी। टिकट के आवंटन पर नरेश ठाकुर ने कहा कि हाईकमान ही तय करती है कि टिकट किसे देना है और हाईकमान के मापदंडों पर खरा उतरने वाले उम्मीदवार को ही कांग्रेस पार्टी इस बार टिकट देगी। देखिए जहां तक टिकट की बात है ये कांग्रेस की जो हाईकमान है वो टिकट का फैसला करती है और अभी हिमाचल में काफ़ी समय है चुनावों के लिए तो हमारी उम्मीद है कि हाईकमान जो है जल्दी ही टिकट तय कर देगी जिससे जो कांग्रेस है वो पूरे जोर के साथ प्रत्याशी के साथ जो है वो चुनावी मैदान में उतर सके।